नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। कल नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा की हरियाणा में, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि हमारा देश अब स्पोर्ट्स स्पिरिट से इसरो स्पिरिट की तरफ कन्वर्ट हो चुका है। और इसरो स्पिरिट से मतलब था वैज्ञानिकता की स्पिरिट, वैज्ञानिक सोच की स्पिरिट। और ये सच है, क्योंकि हमारा देश के डीएनए में ही विज्ञान है। ये तो पाश्चात्य मीडिया ने, पाश्चात्य विचारकों ने जब हम पे उन्होंने शासन किया तो हम पे ठप्पा लगा दिया कि भारत सपेरों का देश है, या भारत में जातवाद प्रथा है, या दुनिया भर की चीजें। तो अगर हम पीछे की तरफ जाएं, मैं चाहता हूं आज मैं आपका ध्यान आपकी विरासत की तरफ देना चाहता हूं, ताकि आप उस पर गर्व करें। तो जो इसरो स्पिरिट है, वैज्ञानिक स्पिरिट है, अगर हम पीछे की बात करें तो आप जानते भी होंगे इस बात को, मैं कुछ नया नहीं बता रहा आपको, कि जीरो शून्य का आविष्कार हमारे भारत में हुआ। आज पूरी गणित, सारा गणित जीरो पे है, जीरो से सबसे पहला नंबर जीरो है। तो शून्य का आविष्कार भारत में हुआ। दशमलव सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, इसका आविष्कार हमारे भारतीय मनुष्यों ने किया, हमारे वैज्ञानिकों ने किया। पाई की वैल्यू, आप हैरान होंगे, ऋग्वेद में पाई की वैल्यू 22/7 3.14 का वर्णन है। पाइथागोरस का थ्योरम हमारे ऋषि मुनियों ने आविष्कार किया। ट्रिग्नोमेट्री, और ये तो बिल्कुल चुराया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री, हम इसको गणित में हिंदी में बोलते हैं त्रिज्यामिति, त्रिज्यागुणोमित्री। तो त्रिज्यामिति इज ट्रिग्नोमेट्री इन इंग्लिश, एंड वी नो अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। और शायद मैं किसी को बोलूंगी मुझे त्रिज्यामिति आती है तो आप कहीं पता नहीं ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं। ये एक थोड़ा सा हमारे साथ ये हमारी निराशा है कि हम लोग अपनी भाषा के बारे में इतना नहीं जानते। पर ट्रिग्नोमेट्री भी का भी आविष्कार भारत में ही हुआ। हम बात करें पाणिनि की व्याकरण, हम आज व्हाट्सएप पे भरा रहता है चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति की हम बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। आज बात करते हैं हम कि अगर किसी के घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी तो उसको हाउस टैक्स से 20% 30% का रिबेट मिलेगा। सेम इज रिटन इन अर्थशास्त्र ऑल्सो। तो देखिए कितना उन्नत विचार, कितना उस जमाने में लोगों के विचार उन्नत थे। अगर हम आर्यभट्ट की बात करें कि सबसे पहले उन्हीं को इसका आविष्कार जनक माना जाता है। तीन बातें आपको बताता हूं। अमेरिका कहता है, नासा कहता है मार्स इज रेड प्लेनेट, एंड देखिए इससे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द मार्स वाज पार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड दे कॉल्ड इट रेड प्लेनेट। कभी आप पंडित जी से, अगर आपके घर में कभी नवग्रह पूजा में पंडित जी आए और वो एक मंगल का श्लोक बोले तो वो एक लाइन बोलते हैं, भौम भूमि श्रुतश्च लोहितम्। एक लाइन में सारा नासा का विज्ञान, सारा नासा का कंसेप्ट आ गया है। भौम मीन्स मंगल, भूमि श्रुतश्च, ये भूमि का पुत्र, जैसे माँ के गर्भ में पुत्र होता है और बाद में पुत्र बाहर आ जाता है, तो वही वो नासा कह रहा है कि मार्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज पार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड देन इट गेट एजुकेटेड फ्रॉम अर्थ। हमने कहा भौम भूमि श्रुतश्च लोहितम, लोहित मतलब रेड क्लियर, They called it red planet. अब देखिए उन्होंने, हमने मंगल को रेड प्लैनेट कहा, हमने जुपिटर को नहीं कहा, हमने वीनस को नहीं कहा, हमने सैटर्न को नहीं कहा। तो हमारे शिव ने तब से 5000 साल पहले हमारे वेद लिखे गए हैं। वैसे वेद 50,000 साल पुराने हैं, 5000 साल पहले के वो कंपाइल किए गए थे। तो चलिए हमने यही मान लिया कि 5000 साल पुराने, फिर भी किसने किसको चुराया? ये ज्ञान 5000 साल पहले लिख दिया गया था कि भौम भूमि श्रुतश्च लोहितम। ऐसी आपसे और बात करूं, आपने कभी साहित्य में सुना होगा धर्मवीर भारती जी का एक बहुत फेमस उपन्यास भी है सूरज का सातवां घोड़ा, कि हमारे यहाँ सूरज के 7 घोड़े माने गए हैं। अब ये विडंबना है मेरी इस देश की कि अगर मैं किसी से भी पूछूं सूरज के 7 घोड़ों के नाम बता दो तो कोई भी उन घोड़ों के नाम नहीं बता पाएगा। एंड आई विल मेयर ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश एंड आप सबको पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एंड दैट इज विबग्योर। एंड सी द स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी, घोड़े किसके थे? सूरज के। विबग्योर लाइट किसकी है? सन की। घोड़े कितने हैं हमारे पास? 7। विबग्योर कितने हैं? 7। एंड अमेजिंग थिंग इज कि अगर आप घोड़ों का पोस्टर देखें तो घोड़े अलग अलग गति के हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगेन विबग्योर इज डिफरेंट वेवलेंथ एंड वेवलेंथ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। आप देखिए अगर ये मजाक ही होता, अगर ऐसे ही हमारे यहाँ घोड़े होते तो हम सूरज के, क्योंकि हमारे यहाँ 84 लग देवी देवता है, घोड़े 7 ही क्योंकि एक रथ में घोड़े तो 2 हो 4 हो 6 हो 8 एक जोड़े में होते हैं, 7 ही क्योंकि अलग अलग गति के क्योंकि, बस चूंकि घोड़े हमने हिंदी में लिख दिए तो आज हमें विब्योर पे वी नो अबाउट द स्पेक्ट्रम, वी डोंट नो अबाउट द 7 horses ऑफ सन, बट दे आर डिपिक्टिंग द सेम प्रिंसिपल। और तीसरी बड़ी खूबसूरत बात, आजकल अच्छी बात है, व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, तो आप लोग तक भी बात जरूर रही होगी कि हनुमान चालीसा में जब हम एक लाइन बोलते हैं जुग सहस्र जोजन पर भानु, तो ये लाइन आपको काफी नजदीक का डिस्टेंस बताती है सूरज का और अर्थ का।
हम कहते हैं जुग जुग इज 12,000, श्रेष्ठ मीन्स 1,000 एंड योजन मीन्स 8 मील्स. तो इफ यू मल्टीप्लाई इट 12,000 इंटू 1,000 इंटू 8 मील्स, ये आता है करीब 9,60,00,000 मील. एंड यू नो 1 मील इज 1.6 किलोमीटर. तो अगर आप उसको फर्दर इसको 1.6 किलोमीटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 1,53,60,00,000 किलोमीटर, जो आज के हिसाब से विज्ञान नासा के विज्ञानों के हिसाब से सूरज और पृथ्वी के बीच का अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है. तो ये गर्व की बात है और हमें गर्व करना चाहिए. मैं तो कहता हूं कि बहुत लोग कहते हैं मेरे पिछले जन्म में कर्म कैसे रहे होंगे, तो मेरा हमेशा मानना है कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, ये अपने आप इस बात का प्रमाण है कि आपके पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे, तभी आप इस महान देश में पैदा हुए हैं जहां ये इसरो की स्पीड हमेशा से ही चली आ रही है. धन्यवाद.